अब भागवत का रचना तो किया, पर भागवत को पान किसको कराए, किनको भागवत का पान कराए। मन में आया कि तुम्हारा एक ही तो व्यक्ति है जो भागवत पान करने योग्य है, कौन? सुखदेव गोस्वामी महाराज। व्यास जी ने अपने दो शिष्यों को कहा, देखो मेरे एक तोता उड़ गया है जंगल में, ऐसा करो मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। अच्छा ये मंत्र गाओगे ना तो मेरे वो तोता कैद में आ जाएगा मेरे पास, ऐसा कहा। बोलते अच्छा, बोलते हाँ, तो मंत्र क्या दिया? बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णो यो हो कर्णिकारम विप्रदवासह कनक कपीसम वैचयन्तीं च माला रंधार वेणु रसुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविसंगीत कीर्तिहि रंधार वेणु रधर सुधाया। भगवान कैसे हैं? कह रहे हैं बराहा पीड़म, बराहा मतलब मोर पंख, आपीड़ मतलब मुकुट। जो भगवान मुकुट मोर मुकुट धारण किया है, बराहा पीड़म नटवर बपू, नटों में सर्वश्रेष्ठ नट धारण किया है भगवान, नटवर भेष धारण किया। भगवान को नटवर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शंकर जी है नट, नटराज है शंकर जी। और भगवान क्या है? बोलते ऐसे हजारों हजारों नटराज का भी भगवान नटपति है, नटवर है, इसलिए भगवान का नाम नटवर। तो भगवान नटवर वेश धारण किया है और क्या कर रहे हैं? बोलते वैचयंती च माला। वैचयंती माला किसको कहते हैं? हम जानते हैं वो छोटा छोटा फल जैसा होता है ना, दाने दाने जैसा, उसको वैचयंती माला समझते हैं, पर वैचयंती माला वो नहीं होता। वैचयंती माला किसको कहते हैं? वैचयंती माला कहते हैं जो पांच प्रकार के फूलों से माला बनाया जाता है, या सात प्रकार के फूलों से जो माला बनाया जाता है उसको वैचयंती माला कहा जाता है। तो भगवान कैसे माला धारण किया? बोलते सात प्रकार के फूलों का माला धारण किया और घुटने तक माला लटक रहा है। और क्या हो रहा है? भगवान का चाल कैसा है? बोलते मदमस्त हाथी के जैसे चाल है भगवान का। और कैसे हैं? बोलते अत्यंत सुंदर नील वर्ण स्वरूप भगवान का स्वरूप है। और क्या कर रहे हैं? बोलते चारों तरफ सखा लोग घेर के चल रहे हैं और वो लोग भगवान के कीर्तन गा रहे हैं, कीर्तियों को गाते हुए चल रहे हैं। और भगवान के देखो दो कान है, कर्णी हो कर्णिकारम, दो कान है, परंतु भगवान ने क्या क्या स्टाइल से एक कान में फूल लगाया कन्हैर का। आजकल लोग करते हैं ना, लड़के लोग एक कान में बाली पहन लेते हैं, लटका के दिखाते हैं स्टाइल, ऐसे भगवान भी एक कान में फूल लगा करके लंबा, कन्हैर का फूल होता है ना लंबा होता है, ऐसा फूल लगा करके मदमस्त हाथी के जैसे चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोलते हैं रंधार वेणु रधर सुधया, अपने अधर सुधा से बांसुरी वादन कर रहे हैं और चल रहे हैं। भगवान का रूप, भगवान की झांकी इतना सुंदर है मानो मन को मोह लेगा। इस श्लोक को जब सुनाया सुखदेव गोस्वामी महाराज एकदम बाहर आ गया, बोलते इतना सुंदर व्यक्ति को तो मुझे भी देखना है, आखिर इतना सुंदर है ये तो मुझे भी देखना है, ऐसा कहा। फिर दूसरी क्षण कहते हैं अरे इतने सुंदर
जय। कभी कभी जो सुंदर होते हैं ना, गोरे होते हैं ना, वो लोग गुण में खोटे होते हैं। आखिर तुम्हारे प्रभु के पास गुण है कि नहीं, ये पहले पूछ के आओ। कहीं हम सुंदरता के पीछे फंस जाए और उनके पीछे पीछे भागने लगे और वो हमको छोड़ के चला जाए तो फिर क्या होगा? ऐसा कहा तो व्यास जी के पास आए तो व्यास जी ने, अरे गुणों का तो खजाना है मेरे प्रभु, जाओ दूसरा श्लोक दिया। क्या किया हो बकीयम स्तन काल कूटवी सम जिघ्रां सया पयाय यदशादिभि धात्री उच्चतां ततो न्यम किंबा दयालु शरणं ब्रजे। कहा अरे गुणों का तो खजाना खजाना है, देखो उतना कालकूट जहर लेकर के भगवान को मारने के लिए आई थी, परंतु भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको यज्ञ पुतना साध्वी की वेश धारण करके आई थी, वैष्णव बन के आई थी, तिलक लगा के आई थी, कंठी माला पहन के आई थी, पर फिर भी भगवान को जानते थे ना कि ये किस लिए आई है, पर फिर भी भगवान उनके ऊपर कृपा किया और कृपा करके क्या दिया? बोलते धात्री उच्चतम, मतलब धात्री माता के जैसे ही गति प्रदान कर दिया भगवान। तो किंबा दयालु शरणम ब्रजे, ऐसा दयालु भगवान, भोले भगवान कहाँ मिलेगा किसी को? इसलिए ऐसे भगवान को तो छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे कहने लगे। हाँ, तब फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भगवान कैसे दिव्य कथा की महिमा सुन के आकर्षित हो गए और भागवत कथा का पान किया सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने, और भागवत कथा का पान करके जगत में प्रचार किया।